हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एमजे और आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू एमजे आईजेड वॉइस पे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 साउथ इंडियन वर्ल्ड वाइड ग्रॉसिंग मूवीज, यानी कि टॉप 10 वर्ल्ड वाइड ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन मूवीज की। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कबाली, जो तमिल लैंग्वेज की मूवी है, ये साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का कलेक्शन किया। बिगिल, जो तमिल लैंग्वेज की मूवी है, ये साल 2019 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 305 करोड़ का कलेक्शन किया। पुष्पा द राइज, यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 370 करोड़ का कलेक्शन किया। साहो, यह मूवी तेलुगु और हिंदी में एक साथ 2019 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 417 करोड़ का कलेक्शन किया। विक्रम, यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जो इसी साल 2022 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड अब तक 425 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसमें अभी भी इजाफा होगा। बाहुबली द बिगनिंग, यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड अब तक 600 करोड़ का कलेक्शन किया है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 654 करोड़ का कलेक्शन किया है। ट्रिपल आर, यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जो इसी साल 2022 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 1132 करोड़ का कलेक्शन किया है। KGF Chapter 2, यह एक कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है, जो इसी साल 2022 में रिलीज हुई थी, इसने अब तक वर्ल्ड वाइड 1233 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन, यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, इसने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।